दूसरे दिन के रामलीला में धनुष यज्ञ का हुआ मंचन। जलालपुर क्षेत्र के प्रधानपुर गांव में ब्लॉक के समीप शिव मंदिर के प्रांगण में रविवार को दूसरे दिन के रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन किया गया, जिसमें महाराजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, जिसमें शर्त थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। लेकिन किसी राजा ने धनुष को हिला भी नहीं सके। तब उदास होकर राजा जनक ने कहा कि हे द्वीप द्वीप के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तब गुरु विश्वामित्र के इजाजत से श्री राम ने सीता स्वयंवर में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह कर लिया। शिव धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम स्वयंवर में पहुँचे और परशुराम तथा लक्ष्मण में काफ़ी संवाद हुआ। बाद में परशुराम ने श्री राम को पहचान लिया और हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। रामलीला के बीच में दर्शकों के मनोरंजन के लिए आई शिवांगी डांसर ने अपने बेहतरीन डांस से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर रामलीला समिति के सभी पदाधिकारीगण सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। देखिए जलालपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।
जो पिता पात्र है गुरुओं का वह कब किससे मिल सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। जी चोरी के कारण छोटा पिछड़े ले आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना अंदाज कराता है, नीचे गंदे को देखो और वो लूटे तेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले वह पहुंचे इसलिए क्रोध कर आया है। अच्छा 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 जी हफी सही हमने ही जान भी छोड़ा है, जो करना वो करे था शिव धनुष हमी ने छोड़ा है। और आजा कर लड़के वो समान नहीं रहा है, मुझे से कोई करा के श्री महादेव का महात्म अत्यंत विदित है, अंतम है ऐसा पतंग पतंग भरा प्रतीक।